तो आज की स्मैकडाउन देखी एंड मेरे को ऐसा लगता है कि जिस जिसने स्मैकडाउन देखी यही हाल होना चाहिए सेल क्यों नहीं किया दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन आई वॉच ऑल ए रेसलिंग तो मैं सेल नहीं करता द <laughs> वर्ल्ड तो की यार हमने जो स्मैकडाउन देखी आज Let's rate that, right? मतलब अगर कोई ऐसा ऑप्शन है कि भाई सब पूरा बात करने से अच्छा पहले ही रेट कर दो तो मैं वो ऑप्शन पिक करना चाहूंगा आई वुड गि दिस स्मैकडाउन ए वन एंड हाफ आउट ऑफ फाइव स्टार्स दैट इज माई ओपिनियन हो सकता है कि आपको स्मैकडाउन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी बट देर वॉज नो फ्रिक इन रोमन रेन्ज जब आप प्रोमोनेस नहीं दे सकते हो तो क्या फायदा है दो चैंपियनशिप का हमें तो लगा था कि भाई एक चैंपियनशिप से बंदा एक शो में आ पा रहा है और बुरा लग रहा है बेचारे के लिए उसे दो चैंपियनशिप दो 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 जगह पर आएगा दो जगह तो छोड़ो वो एक जगह पे नहीं आ पा रहा जिधर पहले आ रहा था उधर से भी बंद कर दिया जब से पता चला है कि ब्रॉक लेजर इज नॉट कमिंग भाई साहब उस बंदे की मोटिवेशन ही चली गई है भाई उस बंदे को कोई मोटिवेशन वीडियोस दिखाओ कहो कि लेजन के अलावा भी दुनिया है और भी लोग लड़ना चाहते हैं चैंपियनशिप के लिए एंड एवरीबडी इज हैप्पी कि हाँ चलो वर्ल्ड चैंपियनशिप जा चुकी है हमें कोई दिक्कत नहीं है आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप को घर पे रख दो हम यहाँ पे यू नो इंटरव्यूअर का काम कर लेंगे जो कि ड्रू गुलैक ने किया आज मतलब ड्रू गुलैक को लोग देख के बड़ा वो हो रहे थे कि अरे यार, यार ये तो ग्रेटेस्ट टेक्निकल रेसलर्स में से एक क्या हो रहा है वेल स्पॉयलर अलर्ट उस बंदे को टी वी टाइम मिल रहा है जो कि मोस्ट ऑफ द सुपर स्टार्स को नहीं मिलता आई एम नॉट सेंग ओनली अबाउट डब्ल्यू डब्ल्यू दैट्स फॉर श्योर एंड येस आई थिंक ये ड्रू को लैक का कैरेक्टर बढ़िया बिकॉज ये जो शार्लट फेर के सेगमेंट में जो मार पड़ी है ड्रू गोलैक को फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज आई थिंक जब तक टैप आउट नहीं किया था बस टैप आउट नहीं करना चाहिए था बट अगेन दैट अट फ्लेयर का फिगर एट लेग like, लो कितना स्ट्रांग है और कितनी गुस्से में वो भरी हुई थी आई क्विट मैच के लिए एंड बाय द वे आई एम एक्साइटेड फॉर आई क्विट मैच बिकॉज लाइक नो मैटर हु द अपोनेंट्स आर एटलीस्ट इट्स एन आई क्विट मैच यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या स्टिपुलशन भाई झपट no था था था, तो लो वही हमें शार्लेट वर्सेज राउंडा केस के में देखने को मिल रहा है एंड आई uh, कि ये ड्रू गुलैक का कैसा सीन है बिकॉज मैंने कहीं तो पढ़ा था कि ड्रू गुलैक जो इंडिपेंडेंट सीन में बहुत सारे इंटरजेंडर मैचेस भी कर चुके हैं दैट मीन शार्लेट फ्लेयर वर्सेज ड्रू कैन हैपन However, I feel like Drew type जहाँ पर वो talk show कुछ host करे I think वो better होगा ना पेपर आर सिंह के अरे कायला Braxton बढ़िया थी भाई बढ़िया थी but I think Drew Gulak मेरे को ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि एक, एक वो है ना connectivity कि हाँ बंदा ये बंदा wrestle कर चुका है तो एक वो वाली फैक्टर आ जाती है है सामने जिस तरह से आज पिटाई हुई लाइक हो सकता है कि शायद ये वाला ऐसा सेगमेंट था जिसमें मेरे को इंटरेस्ट आया था क्योंकि क्योंकि कुछ अलग पता चला था ना बट जो शो की शुरुआत हुई थी वो तो आरके ब्रो ने करी थी आरके ब्रो एंड दी ऊसोस क्योंकि अफकोर्स चैलेंज एक्सेप्ट करना था ना टाइटल को यूनिफाई जो करना है एंडी ओटन एंड रिडल ने कहा देखो यार रोमन रेंज तो गायब हो गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनिफिकेशन जीतने के बाद छुट्टियां मिलती है अगर ऐसा है तो भाई फिर तो हम भी करते और चैंपियनशिप जीत के हम भी जाते हैं छुट्टी पे और क्या चाहिए तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया चैलेंज एक्सेप्ट भी हो गया मार मार भी पड़ गई मेन इवेंट के लिए जिमी उसो उर्सिस रिडल अनाउंस हुआ नाउ डोंट गेट मी रोंग बहुत सुपर आर ग्रेट एंड ऑल बट वेन यू आर गिविंग दिस एज मेन इवेंट जो टीवी की ऑडियंस है वो बहुत गुस्सा होगी बहुत ही ज्यादा फॉरगेट गुस्सा होगी वो टीवी बंद कर देंगे सीधी सी बात है स्पेशली जो सुबह सुबह उठ के देख हम लोग सुबह सुबह उठ के देखते हैं हमें कोई ऐसा नॉर्मल मेन इवेंट नहीं चाहिए लाइक like, ये लिटरली मैच ऐसा जो बीच में कहीं पे भी सेट हो सकता था बट फॉर सम रीजन इसको मेन इवेंट किया गया बिकॉज रोमन रेन्स इज नॉट देयर एंड टी के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज जो वहां पर क्राउड आई थी दे वर हैप्पी वाई नो रोमन रेंस नहीं आए थे कोडी रोड्स वर्सेस सेथ फोसे डार्क मैच में देखने को मिल गया उन्हें यार देट वॉज द मेन इवेंट दे आर लाइक की बैकलैश तो हमारे लिए पहले ही आ गई कभी कभी होता है ना कि दिवाली किसी किसी -के, के लिए पहले ही आ जाती है ऐसी इनके लिए रसल मीने बैकलैश पहले ही आ गई और इन्होंने कोड़ी वर्सेज सेत रॉलिज देख भी लिया और आई थिंक आने वाली जो स्मैकडाउन आई थिंक उनमें ये जो है एस डार्क मैच रहने वाला है तो काफी सारे सेत वर्सेज कोड़ी के मैचेस देखने को मिलेंगे फॉर द लाइव ऑडियंस ऑफ कोर्स बैकलैश में वो जो सीनारी होगा वो डिफरेंट ही होने वाला है दैट इज फॉर श्योर बट गंदा लगता है यार ऐसा देख के ना ऑल्सो रिया रिप्ले वर्सेज नियोमी का जो मैच था वो इंटरेस्टिंग था बिकॉज लास्ट में जो नियर फॉल्स हुए थे आई थिंक उसने क्राउड को थोड़ा उठवा दिया था कि अरे भाई साहब क्या हो रहा है कोई हारने को तैयार ही नहीं है इंडियन रिया रिप्ली ने हरा दिया एंड लास्ट स्मैकडाउन में हमने देखा लेव मॉर्गन ने साशा को हराया आज रिया रिप्ली ने नियोमी को हराया बेसिकली टैक टीम चैंपियनशिप हारने का पूरा खतरा है एंड भाई देखो ऐसे कपड़े पहन के आओगे ना <laughs> यहाँ पे नींबू लटका रखे भाई सब ग्लो कर रहे हैं तो हारोगे यार <laughs>

ये जो है ना लॉस लथारी उसका किस कैम ले लो इधर को क्योंकि उसका मैच देखने को मिलने वाला था होमवर्तो करियो से जिसमें हराया भी होमवर्तो को काफी अच्छा रिएक्शन भी मिला एंड मैं वही कह रहा हूँ कि देखो बोल नहीं रहे कि लैंड ऑफ उप अपॉर्चुनिटीज है बट कहीं ना कहीं हमें नए मैचेस भी देखने को मिल रहे हैं जैसे कि रिडिक मॉस नए सुपरस्टार्स जो हैं ये हम वर्तो करियो ये दोनों एक ही मैच में देखने को मिले तो आई थिंक ये भी काफी इंटरेस्टिंग ही था एंड मेरे हिसाब से तो अब क्या बोले यार देखो वॉल्टर का भी हमें सेगमेंट देखने को मिला था एंड जब तक यूके का इवेंट नहीं आ जाता ना ये लोग वॉल्टर को ऐसे ही करने वाले हैं कि पहले तड़पाने दो यूके की ऑडियंस को भाई साहब फिफ्टी नाइन थाउजेंड टिकट्स टिकट्स तो नहीं बिके रजिस्ट्रेशन हो गया बट जो भी है वॉल्टर के लिए पहले वो एक्साइट करेंगे फिर डायरेक्ट रोमन रेंस वर्सेज वॉल्टर एट यूनाइटेड किंगडम यू नो वट माई प्रोडिक्शन माई प्रोडिक्शन इज गोइंग टू बी लाइक वॉल्टर वर्सिज ड्रू मैक एट यूनाइटेड किंगडम मेरे को लगता है कि ये हो सकता है रोमन रेंस रोम वॉल्टर आई डोंट थिंक सो की दैट इज हैपनिंग एनी टाइम सून हैिंग की यारैकटायर के चांस नहीं आया अभी तक समझ मैक इंटायर फॉर्मर डेवलप भी चैंपियन अभी तक उसको ही चांस नहीं मिला वॉल्टर को तो क्या ही मिल जाएगा एंड देन जिंदर देर रिकोशे के बीच कोशनल चैंपियनशिप देखने को मिला था मैच सरप्राइजिंग yeah, है yeah, क्योंकि इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड हुई क्या बात कर रहे हैं यार ये तो ये तो कहीं रूल बुक में कहीं लिखा कि चैंपियनशिप डिफेंड होती है लेकिन होती है ये है मतलब आई अनसेड रूल है ये क्या है लेकिन ये चैंपियनशिप डिफेंड होने लगी है आजकल दिखने भी लगी है एंड्री क्वेश्चन ने जिंदर माहौल को हरा कर अच्छा काम किया चैंपियनशिप राइट वी ऑल वॉन्टेडिप और मेरे को एक चीज पता अच्छी क्या लगी थी लाइक वेन दे आर रेसलर्स दे शुड बी फाइटिंग राइट दे शुड बी फाइटिंग और वो बुच के अंदर दिखता है वो जो बैकस्टेज सेगमेंट था जिस तरह से वहां से बुच बुच्छ भाग्य न्यूडे को पीटने टेक्निकली तो ने, वो एक जिनको ये होता है ना कि अरे पीट इसको जिसने, इसने तेरे को हराया था ना इसको पीट अरे तू पीठ कैसे रहा है इसको मारना है तेरे को पीट रहा है तो वो बहुत अच्छा फैक्टर इन्होंने यहाँ पे प्ले किया आई थिंक आई लव दैट पार्ट जो स्पेशली you know, बाद में शेमस वेमस सब कह रहे थे क्या हाथ से निकल गया के <laughs> बीच, so जो कि अच्छा था, नॉट गोइंग टू लाइट बट अगेन दैट वॉज नॉट मेन इवेंट वर्दी नो मैटर वट यू मेन इवेंट वर्दी. जस्ट बिकॉज एक ब्रॉल हुआ था स्टार्टिंग में उसमें रिडल को पीट दिया था कि आपका मेन इवेंट बनना चाहिए था स्पेशली आप टैग टीम राइवलरी से हो ठीक है ना जब आपके पास रोमन रेंस है जो कि दो दो चैंपियनशिप लेके बैठा कुछ करो यार आई डोंट नो यारो आज स्मैकडाउन कहीं ना कहीं ऐसा था कि कुछ क्या ही पता चला समझ रहे हो मतलब जो उसके ब्रो का मैच हुआ है इसके लिए के लिए बैकलैश के अगर आप आज नहीं भी देखते तो भी आपको पता ही था कि होने वाला है रोंडा वर्सेज हाँ ये है कि ड्रू ड्रू ब्लैक वाला जो फैक्टर है ये कुछ अलग था तो ये मैं कहूंगा कि इसकी वजह से शायद मैं थोड़े बहुत स्टार्स दिए भी हैं अदरवाइज इतने भी नहीं बनते देखो मतलब मैं मैं तो सीधा ट्रूथ बोलता हूं जो कि 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 मेरे को लगता है। है डेफिनेटली कमेंट्स कमेंट्स में 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 आपसे जानना कि हो सकता आपको आपको स्मैकडाउन पसंद पसंद एंड आई वुड लव टू सी क्या-क्या क्या क्या पसंद आया क्या नहीं आया नहीं रेटिंग रहेगी से लिखकर बताओ और अगर आपको वीडियो अपने समय की मार है ये मेहनत की हार है ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है अफसोस है की आज सबने इसको भुलाया फ्राइडेज को इसने आर के ओर लगाया फ्राइडेज को इसने आर के ओ